फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास इंग्लिश टर्म टू में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि हु आई एम, द बेनियन ट्री, ए गेम ऑफ चांस, फेयर प्ले, डेजर्ट एनिमल्स। ये सारे चैप्टर्स का रिवीजन हम लोग एक ही वीडियो में करने वाले हैं। अगर एग्जाम से पहले इस वीडियो को दो तीन बार देख लेते हैं तो एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। हु आई एम, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों में बहुत सारी समानताएं हैं, फिर भी हम अलग अलग हैं। हम सब लोगों की रुचियां अलग अलग होती है, हमारे जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है और हमारी इच्छाएं भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपके सामने आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, इस लड़की का नाम है राधा। राधा कह रही है कि मुझे सबसे अच्छा काम लगता है पेड़ों पे चढ़ना। वो कह रही है कि मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है और मुझे इस पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो शाखाएं हैं वो चारों तरफ फैली है, इसलिए इस पे चढ़ना बहुत ही आसान है। मैं इस पेड़ पे चढ़ जाती हूँ और आराम से इसकी शाखाओं पर बैठ जाती हूँ। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि ये लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो पेड़ पे चढ़े, लेकिन एक दोपहर को वो भी मेरे साथ पेड़ पे चढ़ गई और हम दोनों काफी समय तक पेड़ पे बैठे रहे और हम लोग कच्ची केरियां खाते रहे और हम लोगों ने खूब आनंद किया। जब भी मैं पेड़ पर होती हूँ तो मुझे ये लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया पे राज कर रही हूँ। ये आपके सामने नासिर है। नासिर कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बीज को इकट्ठा करने वाला बनूंगा। हमारे बहुत बड़े कॉटन के फील्ड्स हैं और हमारे गांव में मेरे पिताजी हमेशा बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं नए बीजों को खरीदने के लिए। मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि बहुत साल पहले वो बीज इकट्ठा कर लिया करते थे और अगले साल उन्हें दोबारा लगा दिया करते थे, लेकिन आजकल ये तरीका काम नहीं करता। आजकल हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है नए बीजों को लाने के लिए। नासिर कह रहा है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं जानना चाहता हूँ कि बीजों को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं ताकि हम उन्हें अगले साल जरूरत पड़ने पर दोबारा काम में ले सकें। यह रोहित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोहित जो है पूरी दुनिया में यहाँ और वहाँ घूमना चाहते हैं। रोहित कहता है कि मैं न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं उन्हें देखना चाहता हूँ क्योंकि वो मैगजीन की एक पिक्चर में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, और अमेजन रिवर जो है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे भी मैं एक नौका से यात्रा करना चाहता हूँ, और लक्षद्वीप जो है वहाँ पे भी जो बीच है वहाँ मैं घूमना चाहता हूँ, और मैं वहाँ पानी के अंदर जाके जो मूंगा मोती होता है उसे भी देखना चाहता हूँ, और कोणार्क टेम्पल जो उड़ीसा में है मैं वहाँ भी घूमना चाहता हूँ, और इसी के साथ ही साथ चाइना का पुराना शहर बीजिंग है उसे मैं देखना चाहता हूँ, और इजिप्ट के पिरामिड में मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन वास्तविक रूप से इन पुरानी इमारतों से ज्यादा मेरा जो आनंद है वो प्रकृति के पास है, इसलिए मैं प्रकृति के अलग अलग रंगों और रूपों को देखना चाहता हूँ। यह सरबजीत है। सरबजीत कहता है कि कभी कभी मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, हालांकि मैं सच कहता हूँ। कई बार क्या होता है, मैं स्कूल में मेरा होमवर्क नहीं कर पाता हूँ और मैं टीचर को कहता हूँ कि रवि ने मेरी किताब ले ली थी इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया, परंतु टीचर मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। उसी प्रकार से घर पे भी मैं कई बार कहता हूँ कि ये झगड़ा मेरे और मेरे भाई के बीच जो हुआ वो मैंने शुरू नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने किया, परंतु टीचर या घर वाले मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। कई बार टेस्ट में मैं खूब पढ़ाई करता हूँ परंतु अच्छे नंबर नहीं आते तो भी टीचर मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। वो सब ऐसा सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और वो मुझे क्रोध से देखते हैं, परंतु मैं नीचे देखने लगता हूँ और अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा होता हूँ, फिर भी वो लोग मुझ पे विश्वास
नहीं करते। ये जो लड़की आपको सामने दिखाई दे रही है, ये डोलमा है। डोलमा कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं देश की प्रधानमंत्री बनूंगी, और जब भी मैं लोगों से ये बात कहती हूँ तो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा करके रहूंगी। मेरी क्लास में जब भी कोई समस्या होती है तो सारे बच्चे मेरे पास में आते हैं, और टीचर भी किसी काम के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंप देते हैं। मैं हर एक काम को अच्छी तरीके से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छी सड़कें हों और अच्छे स्कूल्स हों। मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हो जो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनका इलाज ढूंढ सके, और हम मार्स पे भी अपने स्पेसशिप को भेज सकें। ये जो बच्चा आपको फुटबॉल लेके दिखाई दे रहा है, इसका नाम पीटर है। पीटर कह रहा है कि मेरा जो सबसे प्यारा दिन है वो सेकंड संडे होता है हर एक महीने का, क्योंकि इस दिन हमारा जो परिवार है वो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है। मेरे पिताजी एडवांस में ही टिकट लेके आ जाते हैं, मेरी दादी माँ, मेरे दो भाई और हम सब लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं। हम वहाँ बस में जाते हैं, और इंटरवेल के समय में मेरे पिताजी हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी खरीदते हैं। मुझे वहाँ सिनेमा हॉल में अंधेरे में बैठना, कुछ खाना और फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में हम लोग बाहर कुछ खाना पीना करते हैं और सब लोग बहुत ही अच्छे मूड में रहते हैं, इसलिए ये दिन जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है। फेयर प्ले। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके भी कोई बहुत अच्छे दोस्त होंगे, क्या आपको कभी लगता है कि वो गलत हैं? तब आपने क्या किया? क्या आप शांत रहे या आपने अपने दोस्त को बताया कि आप गलत हो? ये कहानी भी उसी प्रकार से दो बहुत ही अच्छे दोस्तों की है, और जिनके बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, परंतु वास्तव में उनको अंत में जाके एहसास हुआ कि क्या सही है और क्या गलत। ये कहानी बहुत ही शानदार है। ये कहानी है दो पक्के दोस्तों की, जिनका नाम है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ये दोनों दोस्त इतने अच्छे दोस्त थे कि वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे, और जब भी उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति गांव से बाहर जाता तो दूसरा व्यक्ति उसके परिवार का इस तरह से ध्यान रखता जैसे उसका अपना ही परिवार हो, और इन दोनों का गांव में बहुत अधिक सम्मान था, और सारे लोग इनकी दोस्ती की बातें किया करते थे और इनकी दोस्ती की मिसाल भी दिया करते थे। जुम्मन जो है उसकी एक बूढ़ी चाची है जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने जुम्मन को दे दी इस बात को सोचकर कि जुम्मन जो है ये प्रॉपर्टी अपने पास रख लेगा और वह उस चाची की देखभाल करेगा। काफी समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जुम्मन और उसकी पत्नी अपनी चाची की देखभाल करते रहे, लेकिन धीरे धीरे माहौल खराब होता गया। जुम्मन भी अपने चाची के प्रति लापरवाह बन गया जैसे उसकी पत्नी थी, जो कि थोड़ा बहुत भी खाना जो चाची खाया करती थी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और बूढ़ी चाची समझ गई थी कि अब मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। रोज वो अपमान को सहन कर जाती थी। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अंततः वह परेशान हो गई और उसने एक दिन जुम्मन से कहा, मेरे बेटे, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे हर महीने कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपनी अलग से रसोई चला सकूं। तब जुम्मन ने कहा, मेरी पत्नी घर चलाना अच्छी तरीके से जानती है, आप धैर्यवान बनो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जुम्मन के चेहरे पे कोई शर्म नहीं थी। अब चाची ने सोचा कि यह तो काम चलने वाला नहीं है, और उसने कहा कि मैं तो पंचायत में जाऊंगी। कई दिनों तक चाची यहाँ वहां घूमती रही और गांव के लोगों से बातें करती रही, उनसे सलाह मांगती रही।
कुछ लोगों ने उसको सहानुभूति दी, कुछ लोग उस पे हंसने लगे, और उसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम अपने बच्चों के साथ में समझौता कर लो, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है। अंततः जुम्मन की चाची उसके सबसे अच्छे दोस्त अलगू चौधरी के पास आई और उससे कहा, बेटा जुम्मन जो है वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, अब उसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो अलगू ने कहा, चाची आप तो जानते ही हो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। तब चाची ने कहा, लेकिन बेटा सच बात को बोलने में क्या हर्ज है, तुम्हें सच बात हमेशा बोलनी चाहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे या न लगे। कल एक काम करना, तुम पंचायत में आ जाना और वहां सच बोल देना। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चाची की जो बातें हैं वो उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन पंचायत बैठ गई उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन भी वहां खड़ा था और चाची भी वहां खड़ी थी और अलगू चौधरी भी वहां खड़ा था। जुम्मन ने कहा, पंचों में भगवान का निवास होता है, इसलिए मेरी चाची को मैं कहता हूं कि वो किसी को भी अपना मुख्य पंच चुन ले, ताकि हमारा फैसला हो सके। बूढ़ी चाची ने कहा, पंचों का ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। अलगू चौधरी, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? अब मैं तुम्हें अपना मुख्य पंच चुनती हूँ। जुम्मन इस बात पे बहुत अधिक खुश हुआ कि चाची ने उसके दोस्त को मुख्य पंच चुन लिया, अब तो किसी बात की चिंता नहीं है, वह तो मेरे ही पक्ष में फैसला करेगा। अलगू ने कहा, चाची तुम हमारी दोस्ती के बारे में जानती हो, फिर भी मुझे मुख्य पंच चुन लिया। तब चाची ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दोस्ती के लिए अपने जमीर का गला नहीं घोटोगे, तुम सच्चाई का साथ दोगे, और मैं जानती हूँ कि पंचों के अंदर भगवान का निवास होता है और कभी भी पंच कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। अब पंचायत के सामने चाची ने अपनी पूरी समस्या को रख दिया। अलगू ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम और मैं बहुत अच्छे और पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी चाची मेरी भी चाची की तरह है, अब मैं मुख्य पंच हूँ, इसलिए चाची और तुम मेरे सामने बिल्कुल बराबर हो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? जुम्मन ने कहा, 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी और मैंने कहा था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी मेरे पास रह सकती हैं, और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में कुछ झगड़े हो गए जिन्हें मैं नहीं रोक सकता। अब मेरी चाची मुझसे हर महीने का कुछ पैसा मांग रही है और ये मेरे लिए संभव नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मन से अलगू और कई लोगों ने कई सवाल जवाब किए, फिर अलगू ने अपना फैसला सुनाया। हमने इस मामले को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा है और हमारे अनुसार जुम्मन को हर महीने कुछ पैसा चाची को देना चाहिए, वरना उसके पास जो जायदाद है वो चाची के पास वापस चली जाएगी। जुम्मन को विश्वास नहीं था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त अलगू ऐसा फैसला सुनाएगा। अब ये दोनों दोस्त हैं वो दुश्मन बन गए और इनकी जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। लोग अब इनकी दोस्ती की नहीं दुश्मनी की बातें करने लगे और जुम्मन वास्तव में जब भी उसे मौका मिले तो अलगू से बदला लेना चाहता था। दिन बीतते गए और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, दुर्भाग्य किसी के भी साथ आ सकता है। अब अलगू चौधरी का ये मुश्किल समय चल रहा था। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, उनमें से एक बैल मर गया और दूसरा बैल जो है उसने समझू साहू जो उन्हीं के गांव में गाड़ी चलाता है उसको बेच दिया। और ये बात हुई थी कि समझू साहू जो है 1 महीने के अंदर इस बैल का पैसा दे देगा, लेकिन 1 महीने से पहले ही वो बैल भी मर गया। काफी समय बीतने के बाद में भी समझू साहू ने अलगू को पैसा नहीं दिया और अलगू जब उससे पैसा मांगता तो साहू उस पे बहुत अधिक क्रोधित हो जाता और कहता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा उस मरे हुए जानवर के लिए।
अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा बैल ले जाओ और 1 महीने उसे काम में ले लो और मेरे पास वापस छोड़ जाओ। तुम्हारे उस दुष्ट जानवर ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है, वो मेरे लिए दुर्भाग्य ही लेके आया है। कोई भी उस मरे हुए जानवर के पैसे नहीं देगा। अलगू ने सोचा, अब तो मुझे पंचायत में ही जाना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद में पंचायत की तैयारियां हो गई और पंचायत के लिए सारे लोग पहुंचने लगे। उसी बरगद के नीचे पंचायत लगा दी गई और अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा कि पंचों में ही भगवान का निवास होता है, तो मैं ये कहता हूँ साहू, जिसको भी चुनना चाहे मुख्य पंच चुन सकता है, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। साहू को अब मौका मिल गया, उसने जुम्मन का नाम आगे रख दिया। अलगू का जो दिल है वो पूरी तरह से बैठ गया, वो पूरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब तो जुम्मन मुझसे बदला ले लेगा, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही जुम्मन मुख्य पंच बना, उसको अपनी जिम्मेदारी और अपने पद का एहसास हुआ। उसे पता लगा कि इतने बड़े सम्मानित पद पे आके कोई भी अपने बदले के बारे में नहीं सोच सकता। उसके विचारों में पूरी तरह से बदलाव आ गया। वो अपनी निजी भावनाओं से पूरी तरह से ऊपर उठ चुका था और वो केवल सच बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार था और न्याय को वो सुनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम बन चुका था। अलगू और साहू ने अपने अपने मामले पंचायत के सामने रखे गए और पंचायत के लोगों ने उनसे सवाल जवाब भी किए। उसके थोड़ी देर बाद में जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, हमारे नजरिए से हमें ये लगता है कि साहू को उस बैल का पैसा अलगू को दे देना चाहिए। जब साहू ने वो बैल खरीदा था तो उसके किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी और वो बिल्कुल सही था। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि वो बैल मर गया। इसके लिए अलगू पे कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। अलगू अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाया। वह खड़ा हुआ और उसने जोर से कहा, पंचायत की जीत हुई। पंचायत का फैसला हमेशा सही होता है। पंचों में भगवान का निवास होता है और पंचायत हमेशा सही फैसला करती है। सभी लोग पंचों के फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे। अब जुम्मन जो है वो अलगू के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, पिछली पंचायत में हम दोनों दुश्मन बन गए थे, परंतु आज की पंचायत में मैं समझ चुका हूँ पंच बनने की जिम्मेदारी क्या होती है। पंच ना तो किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन होता है, वो केवल न्याय को समझता है। आज के बाद में कोई भी व्यक्ति न्याय के रास्ते से बिल्कुल भी अलग नहीं हटेगा, चाहे वो किसी का भी दोस्त हो चाहे वो किसी का भी दुश्मन हो, और ये रिश्ते नाते कभी भी न्याय के बीच में नहीं आने चाहिए। अलगू और जुम्मन गले मिलके रोने लगे और वो बहुत दोनों खुश हुए। अब उनके आंसुओं के साथ में उनकी जो गलतफहमी थी वो भी बह चुकी थी। एक बार फिर से वो अच्छे दोस्त बन गए और पूरा गांव उनकी एक बार फिर से मिसाल देने लगा। ए गेम ऑफ चांस, ये बहुत ही शानदार कहानी है। और छोटे छोटे बच्चे जो कई बार दुकानदार के जाल में फंस जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सबक है। हर साल ईद के मौके पे लेखक के गांव में मेला लगता है। ईद जो है वो एक दिन नहीं कई दिनों तक मनाई जाती है। बहुत दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते हैं और अलग अलग तरह के सामान वो लोग यहाँ बेचते हैं। आप यहाँ पे जो कुछ भी चाहें वो खरीद सकते हैं, वो चाहे कोई छोटी पिन हो या बड़ी से बड़ी कोई भैंस हो। इसका मतलब छोटे से लेके बड़ा से बड़ा सामान इस मेले में मिल जाता है। लेखक को उसके अंकल, उनके घर में जो काम करने वाला भैया है, उसके साथ में इस मेले में लेके गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। अंकल जो है हमें इस भीड़ भाड़ में आगे लेके जा रहे थे और जब वो आगे जा रहे थे, अचानक उन्हें कुछ उनके दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ समय साथ बिताते हैं। अंकल ने हमसे कहा
कि तुम भैया के साथ में घूम लो, तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, तुम कुछ भी नहीं खरीदोगे और ना ही कुछ दूर जाओगे। तब मैंने अंकल को वादा किया कि मैं आपका इंतजार करूंगा और आपकी कही हुई बातों को मानूंगा। भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ आगे बढ़ने लगे। यहाँ वहाँ जहाँ भी देखे, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी थी जो हमें आकर्षित कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा था कि अंकल जब आएंगे तभी मैं इन सामानों को खरीदूंगा। कुछ देर बाद में हम एक ऐसी दुकान पे पहुंचे जिसके ऊपर लिखा हुआ था लकी शॉप। लकी यानी सौभाग्य से जुड़ी हुई शॉप। इस दुकान का जो दुकानदार था वो ना ही तो जवान था और ना ही बूढ़ा था। वह एक मध्यम उम्र का व्यक्ति था। वह ना ही तो बहुत ज्यादा होशियार लग रहा था और ना ही कोई आलसी व्यक्ति लग रहा था। वह हर किसी को बुला रहा था कि आओ आओ अपना भाग्य आजमाओ। उसके पास में टेबल पे कुछ नंबर वाली डिस्क रखी हुई थी और वहां कुछ सामान भी रखे हुए थे। तुम्हें क्या करना है, वहां केवल 50 पैसे देने हैं और उसके बाद में इनमें से किसी भी डिस्क को उठाना है और उसके बाद में टोटल नंबर जो आएगा उसके अनुसार आपका भाग्य निर्धारित किया जाएगा और उस नंबर जो आएगा उससे जुड़ी हुई वस्तु आपको दे दी जाएगी। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क ले ली और उसने उनका योग किया और उनका योग 15 हुआ। उसे एक सामान दे दिया गया जो थी एक बहुत सुंदर घड़ी। लेकिन इस आदमी को घड़ी नहीं चाहिए थी, इसलिए दुकानदार ने क्या किया, उसे 15 रुपए उस घड़ी के बदले दे दिए। बूढ़ा आदमी बहुत खुशी खुशी वहां से चला गया। इसके बाद में एक लड़का आया, वो भी अपनी किस्मत यहाँ आजमाने लगा। उसे 25 पैसे का एक कंघा मिला। दुकानदार ना ही बहुत अधिक खुश हुआ ना ही बहुत अधिक दुखी हुआ। उसने उससे वापस वो कंघा 25 पैसे में खरीद लिया। लड़के ने दोबारा अपना भाग्य आजमाया। उसे एक 3 रुपए का फाउंटेन पेन मिला और अगली बार उसे 25 रुपए की एक घड़ी मिली और उसके बाद में उसे एक टेबल लैंप भी मिला जो 10 रुपए का था। लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी ये सारा सामान लेके वहां से चला गया। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैंने उस भैया की तरफ देखा तो उसने मुझे उत्साहित किया। मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ले ली, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, मुझे केवल 2 पेंसिल मिली। दुकानदार ने मुझसे वापस वो 25 पैसे में खरीद ली। मैंने दोबारा अपना भाग्य आजमाया, फिर मुझे एक स्याही की दवात मिली, वो भी कम पैसे की थी। दुकानदार ने वो भी 25 पैसे में खरीद ली। अब मैंने तीसरी बार मेरा भाग्य आजमाया, क्योंकि मेरे साथ अभी भी मेरा भाग्य नहीं था। मैं सोच रहा था कि मुझे कोई बड़ा इनाम मिल जाए और हर बार मैं 50 पैसे दिए जा रहा था, लेकिन बदले में मुझे छोटी छोटी चीजें मिलती जा रही थी। अंततः मेरे पास केवल 25 पैसे बचे थे। दुकानदार ने थोड़ी दया दिखाई और उसने कहा, तुम चाहो तो एक बार और खेल सकते हो और 25 पैसे में तुम्हारा अकाउंट सेटल हो जाएगा। मैंने दोबारा भाग्य आजमाया और मेरे 25 पैसे भी चले गए। लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ मेरे बुरे भाग्य पे हंस रहे थे, किसी ने भी मेरे प्रति कोई दया नहीं दिखाई। मैं और भैया वहां से चले गए और हम लोग अंकल का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद में अंकल वहां पे आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रशीद क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या मामला है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया ने वहां पे जो कुछ भी घटा वो बता दिया। भैया ने बताया कि हम इस तरह से एक लकी शॉप में गए लेकिन हमारा भाग्य नहीं काम किया। अंकल ना ही दुखी हुए और ना ही वो उदास हुए, वो मुस्कुराए और उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया। उसके बाद में वो हमें एक दुकान में लेके गए। इस दुकान पे से अंकल ने मुझे एक प्यारा सा सुंदर सा अम्ब्रेला दिलवा दिया और कुछ बिस्किट्स और कुछ मिठाइयाँ भी मुझे दिलवा दी। उसके साथ में कुछ और शानदार तोहफे भी दिलवा दिए। उसके बाद में हम लोग घर लौट के आ गए। जब हम वापस आ रहे थे तो अंकल ने मुझे बताया कि बेटा, ये लकी शॉप जो होती है वो सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए होती है। तब मैंने अंकल से कहा, नहीं अंकल, ऐसा नहीं होता है, ये तो मेरा भाग्य ही खराब था।
मैंने देखा था कि कई लोगों ने वहां अपना भाग्य आजमाया और उनको इनाम भी मिला। एक बूढ़ा आदमी था, उसे भी इनाम मिला और एक बच्चा था, उसे भी इनाम मिला। अंकल ने कहा, तुम नहीं जानते बच्चे, वो सारे लोग उस दुकानदार के दोस्त थे। वो तुम्हारे साथ में चालबाजी खेल रहे थे ताकि तुम खेलने के प्रति आकर्षित हो जाओ। वो तुम्हारा पैसा लेना चाहते थे और उन्होंने तुम्हारा पैसा ले लिया। अब उस बारे में भूल जाओ और किसी को भी बताना मत कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुमने किस प्रकार से मूर्खता दिखाई। और आगे से ऐसे लोगों से बच के रहना। डेजर्ट एनिमल्स, रेगिस्तान से जुड़े हुए बहुत सारे जानवर हैं जो रेगिस्तान में अपना जीवन यापन करते हैं। इन सब के बारे में और रेगिस्तान के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, रेगिस्तान जो है वो बहुत ही सूखे प्रदेश होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा होता है और कई महीनों तक, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कई बार पूरे साल तक यहाँ बारिश नहीं होती है। लेकिन ये जो रेगिस्तान के जो जानवर हैं वो बिना पानी के लंबे समय तक कैसे रहते हैं? इतनी अधिक धूप में उन्हें अलग अलग प्रकार के तरीकों को खोजना पड़ता है ताकि वो अपने पानी की समस्या को पूरी कर सकें। जैसे मैं बात करूं एक छोटे जीव गैरबिल के बारे में, तो वो क्या करता है, अपना गर्मी का अधिकतम जो समय है वो नीचे अपने बिल में बिताता है। और उसके साथ ही साथ में एक अजीब प्रकार का जीव जो डार्कलिंग बीटल जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या कहता है, अपने पैरों पे जितने भी नमी की जो बूंदे होती हैं उन्हें अपने मुंह में ले लेता है ताकि पानी की अपनी कमी को वो दूर कर सके। इसी प्रकार से रेगिस्तान में रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो अपनी पानी की कमी को पूरा करते हैं। वास्तव में इनका जो जीवन होता है रेगिस्तान में बहुत ही मुश्किल होता है। अगर रेगिस्तान के बारे में बात की जाए तो सभी रेगिस्तान जो होते हैं उनमें मिट्टी के टीले और केवल मिट्टी ही मिट्टी नहीं होती है। कुछ रेगिस्तान ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ चट्टान और कंकड़ पत्थर भी होते हैं। उनमें छोटी मोटी झाड़ियाँ और छोटे मोटे हरियाली वाले पेड़ पौधे भी लगे हुए होते हैं जो कि वर्षा के समय में अक्सर लग जाते हैं, और वो भी अपने कम पानी से ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की अगर बात करें तो उनमें से एक है सांप। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में 2300 से भी अधिक प्रकार के सांप जो हैं वो पाए जाते हैं। वो 15 सेंटीमीटर से शुरू होके लगभग 11 मीटर लंबे तक हो सकते हैं। अधिकतम जो सांप होते हैं वो किसी प्रकार की हानि हमें नहीं पहुंचाते हैं, परंतु कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ही जहरीले हो सकते हैं और वो मनुष्य को मार भी सकते हैं। एक बार काटने के साथ में ही वो मनुष्य को तुरंत मार सकते हैं। अधिकतम जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं, परंतु कुछ सांप इस प्रकार के भी होते हैं जो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। अगर हम लोग सूखे और पथरीले इलाकों की बात करें तो अमेरिका जैसे स्थान पे एक बहुत ही खतरनाक सांप रहता है। इसकी खतरनाक आवाज जो है वो 30 मीटर दूर से भी सुनाई देती है, और ये बिजली से भी अधिक तेजी से वार कर सकता है। और ये जो खतरनाक सांप है इसका नाम है रैटल स्नेक, और इसे रैटलर भी कहा जाता है। ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने पूंछ से खड़खड़ाने की आवाज करता है, और इसके आसपास कोई भी लोग नहीं जा सकते क्योंकि ये आवाज बहुत भयानक करता है और इससे लोग डर जाते हैं, और ये इस आवाज से अपनी सुरक्षा करता है। ये अपनी पूंछ को सीधा कर लेता है और तब तक उससे आवाज करता रहता है जब तक कि आसपास में कोई भी शत्रु या कोई भी खतरा जो है वो उससे दूर नहीं चला जाए। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और इसे लगता है कि मुझे खतरा है, तो फिर ये तैयार रहता है अगले जीव को काटने के लिए, चाहे वो कोई जीव हो या मनुष्य हो। लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात है कि ये जो रेटलर स्नेक है इसको अपनी खुद की आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती है, इसीलिए इतनी तेजी से ये अपनी पूंछ पे आवाज कर सकता है। अगर इसके आसपास कोई धीरे धीरे चलता है तो रेटल स्नेक को पता लग जाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर तेजी से चिल्लाता है तो रेटल स्नेक को इस बारे में पता नहीं चलता है।
रेटल स्नेक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत प्रचलित हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो कि कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक है। वो अलग अलग प्रकार के शिकार करते हैं, जिनमें छोटे चूहे, वोल्स और चिपमंक्स जो कि एक प्रकार की गिलहरी होती है वो होते हैं। रेटल स्नेक जो होते हैं अपने शिकार को तुरंत अपने कब्जे में ले लेते हैं, और सांपों की तरह वो भी अपने शिकार को तुरंत निगल लेते हैं। कई सांप ऐसे होते हैं जो एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक खाना नहीं खाते, और अगर बड़े बड़े अजगर के बारे में हम लोग बात करें तो वो लगभग कई बार एक साल या उससे अधिक भी खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो एक बार खाना खाने के बाद में लंबे समय तक उसे पचाते रहते हैं और उन्हें बहुत समय तक खाना खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोंगू, जिसे कि हम नेवला कहते हैं, वो भी जब शिकार करते हैं तो झुंड में करते हैं, और वो आसपास में हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई उनका शिकार न कर ले। वो छोटे छोटे बिलों में अपना मुंह डालते हैं और यहाँ वहाँ देखते रहते हैं कि कोई छोटा मोटा शिकार उन्हें मिल जाए, और अपने तीखे पंजों से अपने शिकार पर वो हमला कर देते हैं और उसे झपट लेते हैं। अफ्रीका में इन नेवलों को देखना बहुत ही आम बात है। ये लगभग 20 की झुंड में चलते हैं ताकि अपने शिकार को ये तुरंत पकड़ सके। नेवला जो है वो क्या करता है, अपने शिकार के लिए एक दूसरे से संपर्क में रहता है। वो पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं और झाड़ियों में यहाँ वहाँ आवाजें करके एक दूसरे को संकेत देते हैं। वो हमेशा खतरनाक जीवों का ध्यान रखते हैं, जैसे ईगल, हॉक या और भी बड़े सांप जो कभी भी उन्हें मार सकते हैं। वो एक दूसरे से संकेत करके अपने शिकार को कब्जा लेते हैं। वो शिकार करने में बहुत ही ज्यादा दक्ष होते हैं और आसपास में ध्यान रखते हुए शिकार करते हैं कि शिकार करते करते कोई उनका शिकार न कर ले। नेवले के बारे में एक बात बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि सांप उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी है। वो बिना घायल होए हुए सांप को मार लेता है। नेवला इतनी तेजी से हमला करता है कि सांप उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। सांप जब भी नेवले पे हमला करता है तो नेवला अपने आप को बचा लेता है और तुरंत सांप पे वो हमला करता है। इस प्रकार से वो सांप को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है और अंततः सांप थक जाता है और वहां से भाग जाता है, वरना नेवला उसे मार देता है। ज्यादातर नेवले जो हैं वो अपने बच्चे एक ही समय पे पैदा करते हैं। नेवले के बच्चे एक साथ में झुंड में बड़े होते हैं और सभी लोग मिलके उनका ध्यान रखते हैं। जब बाकी लोग शिकार पे जाते हैं तो एक दो बड़े नेवले उनका ध्यान रखने के लिए अपने बिलों में ही रहते हैं, और फिर वो बाकी लोग जब रात को आ जाते हैं तो सब लोग एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा जानवर जो कि रेगिस्तान में रहता है उसका नाम है केमल। ऊंट वो जानवर है जो बहुत हजारों सालों से लोगों द्वारा पाले जा रहे हैं। जंगल में अगर हम बात करें तो जंगल में जो ऊंट है वो झुंड में रहते हैं, लगभग 30 ऊंटों के झुंड एक साथ बनाकर। ऊंटों की खास बात ये होती है कि उनके ऊपर एक ऊनी कवच रहता है जो ठंड में उनकी सहायता कर सकता है। ऊंट के बारे में अगर बात करें तो वो 30 गेलन पानी एक साथ पी सकता है, जो कि लगभग 500 ग्लास होते हैं, और वो भी केवल ये 10 मिनट में पी लेता है। हालांकि इसे जो नमी और पानी की कमी पूरी करनी होती है वो रेगिस्तान के पौधों से ये कर लेता है। ऊंट लगभग 10 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। दो प्रकार के ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पहला प्रकार का जो ऊंट होता है उसे हम ड्रोमेडरी कहते हैं, जिसकी केवल एक ही हम्प होती है, और दूसरा जो होता है उसे हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, जिसकी दो हम्प होती है। ये हम्प जो होती है ये उनकी सहायता करती है कि रेगिस्तान में वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। ये उसके लिए एक स्टोरेज कंटेनर होती है जिसमें वो चर्बी को बचा के रखते हैं। इसमें वो पानी को बचा के नहीं रख सकते हैं, जैसा कि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि वो इस हम्प में पानी को बचा के रखते हैं। वास्तव में ये हम्प जो होती है उसमें बहुत सारी चर्बी होती है, और ये चर्बी उन्हें भोजन और पानी की कमी को पूरा करने में सहायता देती है। अगर उनके पास बहुत दिनों तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं होता है तो उनकी जो हम्प जो होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, और उनमें से चर्बी जो है वो अपनी कमी
कमी को पूरा करने के लिए काम में लेते हैं। और भी कई तरीके होते हैं जिससे रेगिस्तान में ऊंट जो है अपने जीवन यापन को आसान बना पाता है। उनका मुंह इतना मजबूत होता है कि रेगिस्तान में होने वाले जो कांटे हैं वो उसके अंदर से नहीं पार हो पाते हैं, इसलिए वो कांटे और अन्य प्रजाति के पेड़ पौधों को भी वो खा पाते हैं। द बेनी एंट्री, ये कहानी बहुत ही शानदार है। इसमें लेखक जो है अपने घर के बाहर एक पेड़ बना हुआ है, उस पेड़ के साथ में उसकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई है वो सारी यादें हमारे साथ में शेयर कर रहा है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक सामान्य दृश्य जो हम अक्सर देखते हैं, वो दृश्य है कोबरा और मोंगूज, जिसे हम नेवला कहते हैं, उसकी लड़ाई का। ये लड़ाई हम अक्सर देखते हैं और उनका परिणाम जो है लगभग एक ही रहता है। नेवला जो है सांप का जो खतरनाक जहर होता है उससे मर सकता है, लेकिन वो इतना तेज तरार होता है कि वो हमेशा उस चीज से बच जाता है। कोबरा हमेशा सुरक्षात्मक रहते हुए प्रयास करता है कि नेवले को जहर से मार दे, और नेवला हर बार जहर से बचते हुए ये प्रयास करता है कि वो सांप को बहुत ज्यादा थका दे और घायल कर दे, और अंततः वो सांप की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ देता है और उसे मार डालता है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले भाग की तरफ। जैसा कि लेखक ने बताया है कि उसका जो घर है, उसका घर जो है वो उसके दादाजी का है, और आसपास की जगह है वो भी पूरी तरह से दादाजी की है, लेकिन ये जो बहुत पुराना बरगद का जो पेड़ है वो केवल उसका है, क्योंकि अब उसके दादाजी लगभग 65 इयर्स के हो चुके हैं और वो इस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, इसलिए इस पेड़ पे पूरा पूरा अधिकार जो है वो लेखक का है। इसकी जो शाखाएं यहाँ से वहां फैली हुई है और ये जो जड़ों तक ये पहुंच रही है उसमें बहुत सारे रास्ते हैं और ये बहुत ही आनंद देता है, और यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, उनमें छोटी छोटी गिलरिया और ये स्नेल्स जिन्हें हम घोंगे भी कहते हैं और तितलियां भी, ये सारे जो छोटे छोटे जीव हैं वो इस बरगद के पेड़ से जुड़े हुए रहते हैं। ये पेड़ जो है बहुत पुराना है, ये मेरे दादाजी से भी पुराना है और देहरादून जितना पुराना है उससे भी ज्यादा ये पुराना है। मैं इसकी शाखाओं में अपने आप को छिपा सकता हूँ और इसकी पत्तियों के पीछे मैं छिपते हुए पूरी दुनिया पे निगाह रख सकता हूँ। इस पेड़ के कारण मेरी जो सबसे पहली जो दोस्त बनी है वो एक छोटी गिलहरी है। वो मुझसे डरते हुए हवा को सूंघते हुए पहले मुझे अपने पास नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे हाथ में किसी प्रकार की एयर गन नहीं है और ना ही कोई गुलेल है, वो मेरी दोस्त बन गई। और धीरे धीरे जब मैंने उसे बिस्किट और केक के टुकड़े देने शुरू किया तो हमारी दोस्ती है वो और ज्यादा अच्छी बन गई। अब वो मेरे हाथ से खाना खाने लगी और उसके बाद में मेरी जेब से यहाँ वहाँ सामान को ले जाना और मेरे छोटी मोटी सहायता करना, ये काम सामान्य हो गए थे। वह एक बहुत ही छोटी गिलहरी थी और उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सोचा होगा ये कितनी मूर्ख है जो एक इंसान पे विश्वास कर रही है। बसंत के समय में इस बेनियन ट्री पे, बरगद के पेड़ पे छोटे छोटे फल लग जाते हैं और यहाँ पे बहुत प्रकार के पक्षी भी रहते हैं, जैसे कि बुलबुल और तोता, मैना, कौवा, ये सारे जो पक्षी हैं यहाँ अपना समय बिताते हैं। और फलों के समय में ये जो बरगद का पेड़ है ये बहुत ही कोलाहल से भरा हुआ रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाजें होती है। इस पेड़ के आधे रास्ते पर मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा बना रखा है जहाँ मैं अक्सर बैठ जाया करता हूँ और अपना खाली समय बिताता हूँ जब बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है, और वहाँ बैठने के बाद में मैं आराम करते हुए मेरी पढ़ाई भी कर लेता हूँ। ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटिल, ये जो किताबें हैं मैंने बेनियन ट्री लाइब्रेरी में भी
पढ़ी है, मैंने जो बरगद के पेड़ पे जो लाइब्रेरी बना रखी है वही पढ़ी है, और जब मेरी इच्छा नहीं होती है पढ़ने की तब मैं क्या करता हूँ, उन पत्तियों के पीछे यहाँ वहां से पूरी दुनिया को देखता हूँ, और दोपहर के समय में मैं बहुत ही शानदार नजारे यहाँ से देखता हूँ। और एक दिन मुझे बहुत ही शानदार यहाँ नजारा देखने को मिला, जिसमें जो नेवला है और कोबरा है उसकी जो शानदार लड़ाई होती है वो मैंने यहाँ पे देखी थी। गर्मियों की जो गर्म हवा है उसने सबको घर के अंदर भेज दिया था, और हमारा जो बागवान है वो भी घर के अंदर चला गया था। मुझे भी बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा था, और मैं भी ये सोच रहा था मैं रामू और हमारी भैंसों के साथ में पानी के तालाब में नहाने के लिए चला जाऊं। तभी मैंने झाड़ियों के अंदर से एक नेवले को आते हुए देखा, और केक्टस का जो गुच्छा है उधर से एक काले कोबरे को आते हुए देखा। मुझे लगा कि ये जो लड़ाई है बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं जहां से देख रहा था वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। चमकीली रोशनी में वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कोबरा जानता था कि ये जो नेवला है वो 3 फीट लंबा है, लेकिन ये बहुत ही चालाक योद्धा है और साथ ही साथ बहुत ही आक्रामक भी है। लेकिन कोबरा जो है वो भी बहुत ही कलाकार और अनुभवी योद्धा था। वो बिजली की गति से हमला कर सकता था, और उसने जो अपने मुंह के अंदर जहरीले जो दांत छिपा रखे थे उससे वो कभी भी जहर से नेवले को मार सकता था। ये बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। कोबरा ने अपने फन को ऊपर उठा लिया था और वो नेवले पे पूरी तरह हमला करने के लिए तैयार था। नेवला भी जो है वो पूरी तरह से इससे बचने के लिए तैयार था। वो अपनी पूंछ के सहारे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ये जो दोनों योद्धा थे ये नहीं जानते थे कि उनकी लड़ाई को कोई देख रहा है, और मेरे साथ ही साथ एक मैना और एक जंगली कौवा जो है वो भी इनकी लड़ाई को देख रहा था। वो भी इस लड़ाई को देखने के लिए तैयार हो रहा था, और ऐसी लड़ाई जो है आज बहुत ही शानदार होने वाली थी, और हम सब लोग इस लड़ाई को देखने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। कोबरा जो है वो सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हुआ था और वो यहाँ से वहां लहरा था। वो ये देखने का प्रयास कर रहा था कि मैं कोई भी गलती ना करूं और मेरा जो प्रतिद्वंद्वी नेवला है मेरा किसी प्रकार से फायदा नहीं उठा पाए। नेवले ने एक तरफ मुड़ने का संकेत दिया और सांप ने उसी तरफ हमला किया, परंतु नेवला वहां से हट गया और उसने सांप पे हमला कर दिया। नेवला जो है बहुत ही फुर्ती से यहाँ से वहां जा रहा था, और हर बार वो सांप के प्रहार को बेकार कर रहा था। इस लड़ाई में एक कौवा और मैना भी कूद गए। उन्होंने सांप पे हमला किया और दोनों आसमान में एक दूसरे से टकरा गए, और थोड़ी देर बाद में वो वापस लौट गए। कोबरा ने एक बार फिर से प्रयास किया लेकिन वो चूक गया। नेवला एक तरफ हो गया और उसने सांप पे प्रहार कर दिया। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच में तीसरा राउंड शुरू हो चुका था, जो कि बहुत ही निर्णायक होने वाला था। कोवा और मैना जो है वो जो इस लड़ाई में भाग ले रहे थे उन्होंने फिर से कोबरा पे हमला किया, लेकिन इस बार वो दोनों अपना निशाना नहीं लगा पाए, परंतु इस बार सांप ने कोवे पे भी हमला कर दिया और इसी कारण से कोवा जो है एक तरफ जाके गिर गया। मैंने देखा कि कोवा जो है लगभग 20 फीट जाके दूर गिरा और वो घायल हो चुका था। इसके बाद में मैना जो है वो वहां से उड़ गई और उसने सोच लिया कि अब वो इस लड़ाई में किसी प्रकार का भाग नहीं लेगी, और ये जो निर्णय उसने लिया था ये बहुत ही समझदारी भरा निर्णय था। धीरे धीरे कोबरा कमजोर पड़ता जा रहा था,
लेकिन नेवला जो है वो बहुत ज्यादा बहादुर होता जा रहा था। वो अपने छोटे छोटे पैरों पे खड़ा हो रहा था और बिजली की तरह वो यहाँ से वहां आ जा रहा था। कोबरा डरते हुए उस पे हमला कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कोबरा बहुत ज्यादा थक चुका था। इस छोटे से नेवले ने कोबरा को अपने जकड़ में ले लिया और उसे लहूलुहान कर दिया और फिर उसे वो झाड़ियों के पीछे ले गया। मैना चुपचाप अपने जगह पे चली गई और वो अपनी पूरी दूरी बनाए रखी ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। और वहां से वो इस नेवले को बधाई दे रही थी कि अंततः तुमने सांप को पराजित कर ही दिया, क्योंकि उस नेवले ने सांप को मार दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत अधिक मेहनत की है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।